गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में 50,000 के इनामी गौरव को एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी गौरव बीती 27 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र में तेल घी व्यवसाय की लूट की कोशिश के दौरान हत्या का मुखबिर था। तेल और घी के व्यापारी को लूट के दौरान उसके घर के बाहर कई गोली मारी गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। गिरफ्तार गौरव का साथी सोनू जो गोली चलाने में शामिल था, जो मौके से फरार हो गया है और जिसकी तलाश टीम इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। गिरफ्तार गौरव और फरार सोनू अब तक कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पिछले महीने की 27 तारीख को थाना कोतवाली में एक व्यापारी से लूट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें तीन लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। दो लोग जिनका नाम सोनू और गौरव है, दोनों 50,000 के इनाम घोषित अपराधी हैं, इसमें वांछित चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए थाना कोतवाली और एसटीएफ की टीम लगी हुई थी और आज कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इन टीम्स पे थी कि इन दोनों का मूवमेंट कोतवाली क्षेत्र में हो रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करते हुए इनको पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई। इस टीम पर इन बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद की धरपकड़ में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम गौरव है वो पकड़ा गया है। इसका एक जो साथी है सोनू वो वहाँ से अभी भाग निकला है। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीमें आसपास कॉम्बिंग कर रही हैं, सब जगह चेकिंग करवा दी गई है। इस बदमाश के पास से अभी एक अवैध असला और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि इसकी एक दुकान है जो कि डासना जेल के बाहर परचून की दुकान है और ये वहीं पे अपराधियों से मिलता था और जिस लाला की इसने मुखबिरी की थी और जिसके बाद उस घटना को अंजाम दिया जिसमें उनकी हत्या हो गई, उससे इनका लेन देन था और उसी के क्रम में इसने बदमाशों को जोड़कर ये मुखबिरी की थी। इससे और विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है।